हेलो, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम पे, थार रियर व्हील ड्राइव को परचेस करने का प्लान बना है और उसका कलर कौन सा लिया जाए इसी को फाइनलाइज करना है थार रियर व्हील ड्राइव के लिए। अभी थार में चार कलर आ रहा है, ब्लैक, रेड, वाइट और ग्रे। जो इसका एक्वामरीन कलर था जो ग्रीन टाइप का था शेड में, वो बंद हो चुका है, तो अभी मेनली चार ही कलर आ रहा है। तो शोरूम में चल करके देखेंगे कि कौन सा कलर बेटर रहेगा और फाइनलाइज करते हैं आज थार रियर व्हील ड्राइव को। तो अभी आ गए हैं शोरूम पे, अब यहाँ चल रहे हैं थार। हम लोग अब चल करके यहाँ देखते हैं कि कौन सा कलर लेना है। ये है महिंद्रा का शोरूम, अब अंदर चल रहे हैं हम लोग और अपना स्कॉर्पियो यहाँ लगा हुआ है। तो अभी शोरूम में आकर के अभी हम लोग बैठे हैं। अभी यहाँ पे तो कार नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है कि इसके यार्ड में लगा हुआ होगा। तो अभी कलर देखते हैं और डिसाइड करेंगे फाइनल कि कौन सा कलर हम लोगों को लेना है, ग्रे। अच्छा, सीट कवर लगा हुआ है क्या? क्या लगा हुआ है इसमें? सीट कवर एक हो गया। अच्छा, डोर वाइजर लगा हुआ है। तो ये है थार का ग्रे कलर, ये कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ इसका एसेसरीज का लिस्ट लगा हुआ है प्राइस के साथ, जो इस गाड़ी में इंस्टॉल किया जा चुका है शोरूम के द्वारा। और इसका एलॉय व्हील काफ़ी खूबसूरत है, इसका एलॉय व्हील। कलर तो ये भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा कलर है। कलर अच्छा है, हाँ, ब्लैक में यही प्रॉब्लम है। सीट कवर इसमें इंस्टॉल किया हुआ है पहले से एसेसरीज के तौर पे, नीचे मैट भी लगा हुआ है। और ये इसका ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में ये है कि गंदा बहुत पता चलेगा, धूल हल्का भी होगा तो ग्रे में आपको जो है ना गंदा चलेगा। हाँ, ऊपर वाला जो ऊपर वाला कलर उसका और इसका दोनों एक ही होता है। हाँ, ब्लैक सबका रूफ टॉप जो है ना, वो सबका ब्लैक ही रहेगा। रूफ जो है ये सब फाइबर है, इसको खोल के हटा भी सकते हैं, कलर की लॉक होगा सर। लेकिन वो हटेगा तो शोरूम वर्कशॉप में ही हटवाना होगा ना? अगर आप खुद से कर सकते हैं, एलएनजी को टाइट रहता है ये। अच्छा, खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वर्कशॉप में जाके खुलवा के हटवा सकते। अच्छा, यहाँ से चाहे तो ये नट्स खोल करके हटा सकते हैं। हाँ, खुद से भी अगर जान जाए तो कर सकते हैं। ये इसका ब्लैक कलर कैरियर ऊपर में लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का आता है ना, हाफ रहता है वो, छोटा रहता है। वो एसेसरीज में है अभी क्या? अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो आफ्टर मार्केट फिर थार में कोई जल्दी लगाता नहीं। हाँ नहीं, लेकिन वो लगने पर बहुत खूबसूरत लगता है। एडवेंचर करने वाले जो लोग हैं वही लगवाते हैं। लगा के देखो, भोकू लगा, देखो लाइट लगा देते हैं। हाँ, कितना प्राइस पड़ता है सीट कवर का देखिए? तो पहले तो कैसे लग गया, 8500। अठारह इंच का टायर है इसमें, ऑल टेरेन टायर लगा हुआ है। बूट स्पेस इसमें कम मिलता है थार में, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करके चलना ही पड़ेगा। ये थार का इंटीरियर ऑल ब्लैक कलर में, और इसमें स्पीकर जो आता है ये रूफ में आता है,
दो स्पीकर और दो ट्यूटर, रूफ माउंटेड ही है इसमें, और ये महिंद्रा का नया लोगो। और ये रियर व्हील ड्राइव का पैजिंग। अब धूप में गाड़ी करवा के देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। ग्रे कलर भी काफी मार्वेलस कलर है और थार काफी बढ़िया निखर के आ रहा है इस कलर में भी। ब्लैक तो खैर है ही सबसे बेटर, लेकिन ग्रे में भी देख रहे हैं कि काफी बढ़िया लग रहा है और ये भी कलर काफी पसंद आ रहा है। और थार का एलॉय व्हील नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पे लगा हुआ है महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल XUV 400। डिजाइन के तौर पे काफी बढ़िया इसका भी लुक है, बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग इसका किया गया है, देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो थार का कलर जो है सो अभी हम लोग फाइनलाइज कर लिए हैं और जल्द ही इसका डिलीवरी लेने वाले हैं, थार रियर व्हील ड्राइव का। थार रियर व्हील ड्राइव को आज फाइनलाइज कर लिए हैं और इसका डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे डिलीवरी वाले का। तो अभी तो हाल में ही स्कॉर्पियो एन लिए ही थे, अब फिर थार क्यों ले रहे हैं ये तो आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा कि थार लेने का क्या पर्पस है। और कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया कलर हम लोगों ने चूज किया है और वो कलर को जो है अभी रिवील नहीं करेंगे, वो डिलीवरी वाले वीडियो में ही डायरेक्ट रिवील होगा कि कौन सा कलर है थार का। और रियर व्हील ड्राइव ले रहे हैं क्योंकि ऑफ रोडिंग तो करना नहीं है, ऑफ रोडिंग के वैसे भी हम लोग शौकीन नहीं है और ऑफ रोडर बाइक 4x4 लेने का हम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो कॉस्टली भी थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता। और अभी जो थार ले रहे हैं वो रियर व्हील ड्राइव में है और रियर व्हील ड्राइव में डीजल इंजन में ले रहे हैं और इसका माइलेज जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, ऐसा अनुमान है कि 18 से 20 हाईवे पे इसका माइलेज मिलना चाहिए और सिटी ड्राइव में 12 से 14 का माइलेज मान के चल रहे हैं। ऐसे फिर क्या माइलेज रहेगा वो तो डिलीवरी लेने के बाद उसका फिर एक प्रॉपर माइलेज टेस्ट भी करेंगे और उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे और इसका नेक्स्ट ब्लॉग में भी जो होगा वो इसका डिलीवरी वाला ही होगा, थार रियर व्हील ड्राइव का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।